कंगना रनौत ने जब से राजनीति में कदम रखा है वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। कभी खुद पर हुई बयानबाजी की वजह से तो कभी अपने दिए गए बयानों की वजह से, कैसे भी कंगना लगातार चर्चा में। हाल ही में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया था कि कंगना रनौत ने पिछले दिनों कहा था कि वो बीफ खाती हैं। वडेट्टीवार ने कहा था बीजेपी ने उन कंगना रनौत को टिकट दिया है जिन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उन्हें बीफ पसंद था और वो खाती थी। अब इसे लेकर कंगना ने एक्स पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मैं ना तो बीफ खाती हूँ ना ही रेड मीट का सेवन करती हूँ। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, मैं बीफ या किसी तरह का रेड मीट नहीं खाती। यह शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरी तरह से आधारहीन अफवाह फैलाई जा रही है। मैं दर्शकों से योगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली का प्रचार कर रही हूँ। ऐसा रणनीति मेरे छवि खराब करने के लिए काम में नहीं आएगी, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है और कोई भी चीज कभी गुमराह नहीं कर सकती। बीफ विवाद से पहले कंगना एक और मसले पर घिरी थी। दरअसल देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, इस सवाल को लेकर सोशल मीडिया पर खूब मीम्स बन रहे हैं। और वजह है राजनीति में नई नई एंट्री लेकर आई एक्ट्रेस कंगना रनौत का एक बयान। जब से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तब से वो सवालों के घेरे में। मीडिया में पहले तो कंगना ने स्टेटमेंट दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और फिर जब वो ट्रोल होने लगी तो उन्होंने अपनी बात को सही साबित करने की भी कोशिश की थी। दरअसल कंगना ने इस बयान के बाद जब उनकी आलोचना हुई तो उन्होंने एक्स पर एक आर्टिकल की स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ट्रोल करने वालों को नसीहत दी थी। इतिहास पढ़िए आप। इस लेख में कहा गया था कि नेताजी ने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार बनाई थी और खुद को पहला प्रधानमंत्री घोषित किया था। कंगना के इस बयान के बाद कुछ विपक्षी नेताओं ने कंगना रनौत पर उनकी टिप्पणी को लेकर निशाना साधा था। इस सफाई पर एक्ट्रेस को लेकर और ट्रोलिंग हुई और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने कंगना रनौत की उस टिप्पणी के लिए आलोचना की है जिसमें कंगना ने सुभाष चंद्र बोस को भारत का पहला प्रधानमंत्री बताया था। सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि किसी को भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इतिहास को नहीं तोड़ना मरोड़ना चाहिए। चंद्र कुमार बोस ने आगे लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक राजनीतिक सैनिक, राजनेता, दूरदर्शी थे। मात्र ऐसे नेता थे जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारत के सभी समुदाय को एकजुट कर सकते थे। नेताजी के प्रति वास्तविक सम्मान उनकी विचारधारा का अनुसरण करना होगा। बता दें कि चंद्र कुमार बोस भाजपा का हिस्सा थे। उन्होंने पिछले साल सितंबर में यह कहते हुए भाजपा से इस्तीफा दे दिया था कि उनके सिद्धांत पार्टी के साथ मेल नहीं खाते हैं। उनका इस्तीफा इंडिया बनाम भारत विवाद के बीच आया था। अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नेताओं की इस तरह की बयानबाजी लगातार जारी है। इस तरह की बयानबाजी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।